नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको TVS जुपिटर का रिव्यू देंगे। दोस्तों, ये जुपिटर आप देख रहे हैं, ये मात्र 9 दिन पुरानी है। 9 दिन इस जुपिटर को लिए हुए हैं, तो आइए अब इसकी जानकारी देते हैं। दोस्तों, ये जुपिटर का स्टैंडर्ड मॉडल है। स्टैंडर्ड मॉडल में क्या है, जो आप ये प्लास्टिक देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये आपको ब्लैक कलर में ही मिलती है। जुपिटर के चार मॉडल आते हैं, चार वेरियंट हैं जुपिटर स्टैंडर्ड, जो कि इसमें आपको ये ब्लैक कलर की प्लास्टिक मिलेगी। उसके अलावा ये जो बॉडी का कलर है, इसमें आपको 5 से 6 तरीके के कलर मिल जाएंगे, लेकिन ये जो बॉडी है वो आपको ब्लैक ही मिलेगी। इसके बाद जो सेकंड वेरिएंट है वो है जुपिटर ZX का। ZX में आपको क्या होगा, ये जो आप ब्लैक कलर की प्लास्टिक देख रहे हैं, ये आपको कलर्ड में मिलेगी, येल्लो या चॉकलेटी में। वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होगी, लेकिन जो बॉडी कलर है वो आपको लगभग 6 से 9 के बीच में आपको मिल जाएंगे कलर, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा मॉडल है वो है जुपिटर ZX डिस्क। उसमें क्या होगा, आपको आगे वाले पहिए में डिस्क ब्रेक और मिलेगा, लेकिन और जो बॉडी है ये ब्लैक की जगह आपको कलर्ड मिलेगी। स्टैंडर्ड मॉडल में आपको आगे डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा और नॉर्मल बॉडी मिलेगी जो आपने अभी देखी है। इसके अलावा इसका चौथा मॉडल है जुपिटर क्लासिक। उसमें आपको जो बॉडी है वो थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, अट्रैक्टिव टाइप मिलेगी, देखने में उसका बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है। और जो बॉडी या आप ब्लैक कलर की देख रहे हैं प्लास्टिक, जो इसका मिडल इनसाइड एरिया है, वो आपको कलर्ड मिलेगा चॉकलेटी या येल्लो कलर में। इसके अलावा आपको जो बॉडी कलर है वो लगभग 9 तरीके के मिल जाएंगे, आप उसमें से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको डिस्क ब्रेक भी आगे मिलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल में आगे ना तो डिस्क ब्रेक मिलेगा, ड्रम ब्रेक मिलेंगे नॉर्मली, और ये जो प्लास्टिक दी गई है ये ब्लैक मिलेगी। लेकिन जो क्लासिक मॉडल है वो लगभग आपको 75,000 का मिलेगा, स्टैंडर्ड मॉडल लगभग आपको 68,000 का मिल जाएगा। आप इसकी प्राइस बाइक वाले या बाइक देखोगी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, लगभग एक्यूरेट ही मिल सकती है। आप इसके शोरूम पे अगर जुपिटर लेने जा रहे हैं तो अगर आप थोड़ा कंसेशन की डिमांड कर सकते हैं तो आपको थोड़ा कंसेशन भी मिल जाएगा। लगभग आपको स्टैंडर्ड मॉडल 68,000 का मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अब इसके हम फीचर्स की बात करेंगे। दोस्तों, TVS जुपिटर लुक में काफ़ी अच्छा है। इसकी हेडलाइट आगे दी गई है हैंडल पे, जो कि हम हैंडल के साथ मूव कर सकते हैं। और अभी इसके हमें नंबर नहीं मिले हैं, इसलिए हमने इस पे एप्लाइड 4 लिखा है। और इसके इंडिकेटर हैं वो इसकी बॉडी में दिए गए हैं, राइट और लेफ्ट इंडिकेटर। इसके अलावा इसके व्हील जो दिए गए हैं वो इसके 12 इंची के आपको टायर मिलते हैं, आगे और पीछे दोनों के, वही इसकी एडवांटेज है। इसी कारण इसका माइलेज काफ़ी हाई है। 12 इंची के व्हील आपको किसी और स्कूटर में नहीं मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो वो उसकी प्राइस काफ़ी हाई होगी, मेरे ख्याल से वो किसी स्कूटर में अभी तक नहीं मिलते। केवल एक्टिवा के 125 cc में आपको 12 इंची का टायर मिलता है, वो भी केवल आगे, पीछे उसमें 10 इंची का व्हील है। लेकिन जुपिटर का आप कोई सा भी स्कूटर ले लीजिए, उसमें आगे पीछे दोनों ही टायर 12 इंची के मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। दोस्तों, इसमें जो हॉर्न दिया हुआ है वो इसके लेफ्ट साइड में दिया गया है, उसे येल्लो से शो किया गया है, इसे हमने ऑन कर दिया है। और इसकी जो सेल्फ स्टार्ट बटन है वो इसके राइट में दिया हुआ है, रेड कलर का इसका बटन है। इसका आप स्पीड मीटर देख सकते हैं, स्पीड मीटर अभी 234 किलोमीटर चला हुआ है। और इसका फ्यूल इंडिकेटर आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो रेड रेड शो हो रहा है ये इसका रिजर्व है, और रेड के ऊपर आ इसका मेन को शो होता है। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो इंडिकेटर है, फ्यूल इंडिकेटर, वो वाइट के ऊपर है, यानी इसके अंदर लगभग 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल है। इसके अलावा यहाँ पे इसका इकोनॉमी और पावर मोड शो होता है। अगर आप इसके इकोनॉमी मोड लगभग 50 की स्पीड तक इसे इसका राइड लेते हैं तो इकोनॉमी मोड शो होगा, इसका माइलेज उस समय हाईएस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पावर मोड में इसे ऑन करते हैं, आप सडनली हाई एक्सेलेरेटर अप्लाई कर देंगे तो इंजन से ज़्यादा पावर मिलेगी और इसका पावर मोड ऑन हो जाएगा और यहाँ रेड इंडिकेटर शो होगा और इसका थोड़ा माइलेज कम हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम आपको इसका इकोनॉमी और पावर मोड
बताएंगे कैसे शो होता है इंडिकेट करके। दोस्तों यहाँ जे अभी ये हमने ऑन कर दिया है इसकी की को, अब हम इसका ऑन करेंगे। दोस्तों जुपिटर ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं अभी इकोनॉमी मोड है। अब एकदम मैं पावर अप्लाई कर दूंगा, हाई एक्स इसका अगर मैं हाई एक्सीलेटर अप्लाई कर दूंगा तो एकदम इसका येलो मोड पावर मोड ऑन हो जाता है और यहाँ इंडिकेटर शो हो जाता है। अभी इसका इकोनॉमी मोड है। इसके अलावा यहाँ इसके ये चार इंडिकेटिंग सिग्नल और दिए हैं, ये इसके पासिंग स्विच पासिंग इसके पासिंग को अगर हम पास अप्लाई करते हैं तो इसका इंडिकेटर शो होता है। इसके अलावा ये इसका लेफ़्ट इंडिकेटर, ये राइट इंडिकेटर और यहाँ पे ये इसका फ्यूल इंडिकेटर है। मैं आपको गाड़ी को थोड़ा दिखाऊंगा टेढ़ी करके, देखिए अगर इसके अंदर पेट्रोल कम है, मैंने अभी गाड़ी को थोड़ा टेढ़ा कर दिया है जिससे इसके सेंसर पे पेट्रोल नहीं जा रहा और अब ये लो फ्यूल को इंडिकेट कर रहा है और आप देख सकते हैं इसका इंडिकेटर फ्यूल भी नीचे आ गया है। अब मैं गाड़ी को सीधी कर देता हूँ, देख सकते हैं इसका इंडिकेटर अब नहीं शो हो रहा लो फ्यूल का और इसका इंडिकेटर दोबारा ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी एवरेज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अभी ये गाड़ी 234 किलोमीटर लगभग चल चुकी है और इसके अंदर अभी तक टोटल जो गाड़ी खरीदते समय हमें 600 ml फ्यूल मिला था उसको मिलाकर हमने लगभग 5.5 लीटर इसमें फ्यूल डलवाया है टोटल। उसके बावजूद अभी इसमें 1 लीटर फ्यूल इसमें है और ये लगभग इसी कारण ये लगभग अगर इसके अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारा जो एवरेज मिल रहा है वो लगभग 45 से 50 के बीच में मिल रहा है। अभी तक ये मैंने नॉर्मली इकोनॉमी मोड में राइड करी थी, पावर मोड में मैंने 2-3 बार ही राइड करी है। इसके अलावा यहाँ पे हमें ये पासिंग स्विच मिलता है, ये काफ़ी हेल्प करता है हमें राइडिंग के समय सामने आते हुए व्हीकल के लिए हमें काफ़ी हेल्प करता है। ये यहाँ पे इसके इंडिकेटर शो किए गए हैं और एक्सीलेटर। इसका लॉकिंग सिस्टम काफ़ी बढ़िया है, इसके अलावा डबल लॉकिंग सिस्टम हमें यहाँ पे ये मिलता है। इसकी जो क्लिज चौक दी गई है इसे अगर हम बाहर की तरफ खींच लेंगे तो इसकी चौक अप्लाई हो जाएगी, अभी ये अंदर की तरफ है तो इसकी चौक अप्लाई नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बैक सिस्टम की। दोस्तों अब हम यहाँ से चाबी निकाल लेते हैं। दोस्तों इसके एक एडवांस फीचर्स और दिया गया है, इसका जो फ्यूल टैंक है वो इसके पीछे दिया है। आपको डिग्गी से उतरने की ज़रूरत नहीं है फ्यूल भरवाने के लिए, आपको केवल क्लॉकवाइज अगर इसकी चाबी लगा के इसे अप्लाई करते हैं तो इसकी डिग्गी ओपन हो जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसका टैंक ओपन हो जाएगा, केवल पुश करके इसे आप बंद कर सकते हैं। इसका मेन एडवांटेज ये है कि अगर आपकी डिग्गी में कोई कैश या कोई जरूर ऐसा कीमती सामान रखा है जो आप शो नहीं करवाना चाहते जिससे आपके संग कोई चोरी या कोई हादसा ना हो तो आप उससे बच सकते हैं, आप बिना डिग्गी ओपन करें इसको टैंक में फ्यूल भरवा सकते हैं। आप अगर इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसकी डिग्गी ओपन हो जाती है, आप डिग्गी में देख सकते हैं, आप अपना हेलमेट रख सकते हैं, काफ़ी मतलब नॉर्मल इसमें स्पेस मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे भी आप अपना कुछ कागज़ इसमें फिक्स कर सकते हैं। इसको बंद करने के लिए केवल आपको पुश करना होता है और इसका लॉक लग जाता है। दोस्तों इसके अब हैंडल लॉक की बात करते हैं। हैंडल लॉक लगाने के लिए आप इसको हैंडल लॉक दोनों तरफ लगा सकते हैं, आप अगर इसको इस तरफ भी इसका हैंडल लॉक लग जाता है और अगर चाहें आप इस तरफ भी इसका हैंडल लॉक लगा सकते हैं, दोनों तरफ ही इसका हैंडल लॉक लग जाता है। और एक इसका अच्छा फीचर ये है इसका पासिंग स्विच, अगर आप इसे आगे की तरफ अप्लाई करते हैं तो इसकी हाई बीम अप्लाई होती है, आप हाईवे पर इसके हाई बीम को अप्लाई कर सकते हैं, आप नॉर्मली रोड पर चलाते समय इसका लो बीम का यूज कर सकते हैं और यहाँ आप पासिंग स्विच यूज़ कर सकते हैं, ये भी इसका एक अच्छा फीचर्स है। और ये इसका राइडिंग मोड शो हुआ है, मैक्सिमम स्पीडोमीटर है जो इसका 120 किलोमीटर की स्पीड शो करता है लेकिन लगभग 80 से 100 के बीच में इसकी मैक्सिमम स्पीड है। मैक्सिमम स्पीड पे अभी मैंने इस पर राइड नहीं की है।
दोस्तों इसके साथ ही इसमें सिंक ब्रेक का ऑप्शन दिया है। अगर आप इसका लेफ्ट साइड का ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इसमें आगे का ब्रेक तो लगता ही है ऑटोमेटिक, पीछे का ब्रेक भी इसका अप्लाई होता है, लेकिन अगर आप केवल राइट साइड का ब्रेक अप्लाई करते हैं तो केवल आगे का ब्रेक लगता है। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स ये भी है कि इसमें अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो अदर एक्टिवा वगैरह में अलॉय व्हील नहीं दिए गए हैं, स्टील व्हील दिए गए हैं। तो दोस्तों ये इसका स्टैंडर्ड वर्जन है। स्टैंडर्ड वर्जन में केवल ब्लैक प्लास्टिक मिलती है, इसके जो अदर वेरियंट है उसमें आपको ये कलर्ड में मिलेगी, येल्लो या चॉकलेटी कलर में, लेकिन उनके जो वर्जन है वो लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये महंगे हैं। लेकिन अगर आप उसमें डिस्क ब्रेक और अट्रैक्टिव लुक में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। दोस्तों इसके इंजन की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है और इसका बैक जो पीछे का व्हील है वो भी 12 इंची का है, इस कारण हाई माइलेज ये प्रोवाइड करता है। मेरे ख्याल से ये भारत का नंबर वन माइलेज, हाईएस्ट माइलेज स्कूटर है, जो लगभग 45 से 50 का एवरेज दे रहा है। अभी इसकी एक भी सर्विस नहीं हुई है, तब भी ये 45 से 50 का माइलेज दे रहा है। तो अगर आप पूछना चाहेंगे कि मैं आपको कौन सा स्कूटर प्रीफर करूं, तो मैं तो आपको जुपिटर ही प्रीफर करूंगा। ये आपको लो कॉस्ट में हाई माइलेज आपको प्रोवाइड करता है, इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ आपको इसकी जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है और काफ़ी वाइड भी मिलती है और मुझे इस पर काफ़ी आराम भी मिलता है। करेंगे डिग्गी ओपन हो गई, साइज के अनुसार यहाँ पे इसमें एक फ्यूज़ दिया गया है, 10 एम्पियर का फ्यूज है। अगर आप इसे निकाल देते हैं तो आप इसकी सेल्फ इसे स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे पैर रखने के लिए ये काफ़ी बेहतर ये दिए हुए हैं पैड सिस्टम, इसे आप पुश कर सकते हैं। इसका जो 3D लोगो है वो 3D लोगो में दिया हुआ है, जो कि 3D है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है इस जगह, और इसमें आप कुछ सामान लगाने के लिए एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, इसमें आप इस तरीके से इसमें फिक्स कर सकते हैं अपना बैग, और एक इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ दिया गया है, आप उससे अपनी यूज़ के अनुसार अंदर बाहर कर सकते हैं। इसकी सेलिंग भी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो मैं तो कहूँगा कि जुपिटर ही नंबर वन स्कूटर है पेट्रोल में, और इसका माइलेज भी ज़्यादा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या और कुछ जानकारी इसकी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उससे रिलेटेड भी इसकी वीडियो बनाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको सीधे मिल सके बिल्कुल ही मुफ्त।